सो गाइस आज मैं दिखाऊंगा हेलो एप्लीकेशन यानी हेलो अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करें। मैं सारे प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। अगर आप हेलो अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे हेलो अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो पहले ये ऑप्शन नहीं था या फिर ये अपडेट नहीं था, तो इस बार जो है ये अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहले अपना हेलो एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ह्यूमन के सिंबल है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपना अकाउंट परमानेंटली, तो सबसे पहले अपने हेलो अकाउंट में जितने भी पोस्ट किया है या फिर ऑडियो टेक्स्ट वीडियो जितने भी पोस्ट किया है, तो उस पोस्ट को सबसे पहले डिलीट कर दो, ये सबसे बेहतर होगा। तो आपको डिलीट कर दो, उसके बाद जो है अपना हेलो अकाउंट को ये डिलीट करने अच्छा होगा। तो सबसे पहले मेरा जितने भी पोस्ट है मैं यहाँ पर मैं डिलीट कर दूँगी। तो अगर आप डिलीट करना नहीं जानते तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट लाइन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा अपनी पोस्ट के, तो उसके बाद जो है डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद जो है डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके अपने सारे पोस्ट को जो है डिलीट कर दो, उसके बाद जो है अपने अकाउंट को यहाँ पर डिलीट करो तो बेहतर होगा। तो मेरा जो है मेरा पोस्ट यहाँ पर डिलीट मैं कर देता हूँ, और एक है तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सारे पोस्ट जो है डिलीट हो चुका है, अब जो है मेरा कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। तो पोस्ट डिलीट करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ये सिंबल पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर साइड में कॉर्नर पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंबल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट। तो ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। तो आपको प्ले स्टोर आना होगा। प्ले स्टोर जाने के बाद यहाँ पर आपको हेलो यहाँ पर जो है सर्च देना होगा। सर्च देने के बाद यहाँ पर जो है हेलो एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पर अपडेट लिखा है, तो यहाँ पर सिंपली जो है अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपना हेलो अकाउंट को यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पर अपडेट होने के बाद आपको ये डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास ये डिलीट ऑप्शन है तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो अपडेट कर लो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर। अपडेट करने के बाद तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, थोड़ी दो तीन मिनट लेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आ जाएगा अपडेट करने के बाद। तो उसके बाद जो है यहाँ पर डिलीट यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा। तो जैसे ही डिलीट अकाउंट पर क्लिक करोगे थोड़ी सी लोडिंग होगा, तो यहाँ पर जो है लोडिंग हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा थोड़ी सी यहाँ पर नेट काफ़ी स्लो है, तो इसलिए जो है थोड़ी समय लगे है। तो ऐसे ही करके अपना जो है क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स आएगा, चार बॉक्स। तो यहाँ पर जो है इस ओटीपी आपके मोबाइल पे एक सिम पे ओटीपी जाएगा, जिस सिम पे आप जो है ये अकाउंट क्रिएट किया है उस सिम पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेंड कोड पे आपको क्लिक करना होगा, तो ही आपके पास एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में, इस चारों बॉक्स में आपको उस ओटीपी को आपको दे देना होगा। देने के बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सेंड कोड पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी मैसेज आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर कर देने होगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरा ओटीपी को मैं यहाँ पर दे देती हूँ, तो मेरा ओटीपी जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ। देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है हो जाएगा, इस तरीके से इंटरफेस आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट था, यू आर अबाउट टू डिलीट अकाउंट ही विथ मी कंटिन्यू, तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ी सी यहाँ पर टाइम एंड कंडीशन या फिर कंफर्मेशन है तो यहाँ पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है, योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट फॉर 30 डेज ड्यूरिंग डीएक्टिवेशन, योर अकाउंट विल नॉट विजिबल टू द पब्लिक आफ्टर 30 डेज, योर अकाउंट विल देन बी डिलीटेड परमानेंटली, आपके 30 दिन के अंदर जो है ये अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी 30 दिन के अंदर जो है डिलीट हो जाएगा। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप 30 दिन के अंदर जो है ये अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, तो जो है परफेक्टली काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आने के बाद जो है यहाँ पर आप और भी यहाँ पर कन्फर्मेशन पढ़ सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर के दिया है तो यहाँ पर सारे पढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट, तो यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से और कन्फर्मेशन आएगा, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप डिलीट करना चाहते हो यहाँ पर जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डिलीट कन्फर्म पे यहाँ पर जो क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी लोडिंग हो गया है, तो मेरा जो है
जो है मेरा काम जो है सारे प्रोसेस क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही करके जो है अपना हेलो अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर फुल कंफर्मेशन जो है मेरा एकदम फुल 100 जो है डिलीट हो चुका है। तो मैं आपको मैं दिखा दूँ, ये ऑटोमेटिकली आया है। तो यहाँ पर मैं सिंबल पे जाऊँगा, मेरा यहाँ पर जो है कोई भी अकाउंट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरा जो है लॉग आउट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मेरे 30 दिन के अंदर जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप फिर से एक हेलो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है फिर से क्रिएट कर पाओगे। तो ऐसे ही करके जो है अपना हेलो अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।